सब्सक्राइब कीजिए टेकी सीरीज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेकी सीरीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप जानते होंगे कि सैमसंग गैलेक्सी ये 50 इंडिया में कितना पॉपुलर हुआ था, तो सैमसंग गैलेक्सी अगेन 50 सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है जो है सैमसंग गैलेक्सी ये 51। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में इस फोन का कंफर्म स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, इस फोन की प्राइस क्या होगी और ये कब तक इंडिया में लॉन्च होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको भी ये बातें जाननी है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन के बारे में बात करता हूं। तो दोस्तों इस फोन के बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगा और वहीं फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और अगर हम इस फोन के डिस्प्ले साइज की बात करें तो दोस्तों इस फोन में 6.5 इंच के साथ फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में तो दोस्तों इस फोन में शायद 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी और साथ में यूएसबी टाइप सी पोर्ट और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी। लेकिन दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि इस फोन में आपको 15 वॉट का चार्जर मिले या 25 वॉट का। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में तो दोस्तों इस फोन में सैमसंग एक्सोनॉइस का 9611 का प्रोसेसर मिलेगा जो पहले सैमसंग गैलेक्सी A30s और ये 50s में देखने को मिला था। और अगर वही एंड्रॉइड की बात करें तो दोस्तों इस फोन में एंड्रॉइड 10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के हाईलाइट के बारे में। तो दोस्तों सैमसंग पहली बार अपने फोन में क्वाड कैमरा सेटअप लेकर आ रहा है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, प्लस 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर वही बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा F2.0 अपर्चर के साथ। दोस्तों इस फोन में बाकी सेंसर भी मिल जाते हैं जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस फोन के रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की तो ये जो फोन है ये दो वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और दूसरा 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और दोस्तों इस फोन का जो स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है वो 22,000 से 25,000 के बीच हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो फोन है इसी प्राइस रेंज और इसी स्पेसिफिकेशन के साथ अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो आप इस फोन को परचेज करना पसंद करेंगे या नहीं, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये जो फोन है ये दिसंबर तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोबारा मिलता हूं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, आज का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।